नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो टेक्निकली स्ट्रांग दिख रहे हैं और राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश में है। इसी तरीके की वीडियो मैंने आप सभी के साथ एक और बनाई थी जहां मैंने आपके साथ दो तीन स्टॉक्स डिस्कस करे थे, एक प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स पे था और एक इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल वाली वीडियो, दोनों जगह कवर किया था। इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल वाली वीडियो में भी जो कवर किया था उसका नाम था टाइटन। जिस दिन इस स्टॉक के नंबर आए उसके बाद 10% क्रैश हुआ था एंड तब 3300 रुपए का भाव था। आपसे क्लियरली बोला 3250 पे एक्यूमुलेट जरूर कीजिएगा, फ्रेश एंट्री जरूर लीजिएगा और केवल 6 महीने में स्टॉक आपको यहां से 10% का प्रॉफिट डेफिनेटली देगा। बट बाजार है तो डेफिनेटली जैसे वर्ड बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर 6 महीने यानी कि 2 क्वार्टर में भी दिक्कत रही रिजल्ट्स में तो 2900 रुपए तक का भाव आएगा इस स्टॉक में टेक्निकल टर्म्स पे, और 2900 रुपए पे एक लास्ट एक्यूमुलेशन और मारना है। हमें दो बार लेना है, एक 3250 और एक 2900 अगर आ गया तो, और 6 की जगह 9 महीने का टाइम फ्रेम करेंगे, एग्जैक्टली 3600 रुपए का टारगेट करेंगे। एवरेज हो जाएगी बाइंग हमारी 3000 करीब और 3600 रुपए का टारगेट 20%। यानी कि देखो, अच्छे शेयर में हमने बाइंग कर ली उसके बाद और नीचे जा रहा है तो आप थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, टारगेट बढ़ा दीजिए और उस जगह एक्यूमुलेट कर लो, पैसा अपने आप बनेगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको क्वालिटी स्टॉक में ही करनी चाहिए, सिंपल है। अब मैं आप सभी के साथ टाइटन की अपडेट दूं तो 3400 रुपए का भाव हो गया है। 2 दिन पहले भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमने उस दिन डिस्कस कराई था। अब टेक्निकल टर्म्स पे टाइटन में वॉल्यूम्स के साथ तेजी आ रही है, राउंडिंग बॉटम बन रहा है, 3400 रुपए किसी भी दिन हो जाएगा, आज हो गया तो सबको पहले तो मुबारक हो, ठीक है जी। 150 रुपए ऊपर खड़ा है और टेक्निकल टर्म्स पे 3320 पे कवर किया था कि 3400 होने वाला है और परसों करा था कवर, आज आपका ये 3400 हो गया है तो सबको पहले तो मुबारक हो, डे हाई पे खड़ा है। तो पहला स्टॉक तो अगेन टाइटन ही है। इस वीडियो में भी टाइटन 3400 हो गया है और ये ना मतलब कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, वो 3450 और 3480 तक मेरे को लग रहा है कि जा सकता है। 3550 का हमारा 6 महीने का लक्ष्य था, अगर एक आध हफ्ते में ही आ जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 5000 रुपए नीचे ही कर लेंगे बट कर लेंगे, क्योंकि 6 महीने की देखा आपको अगर 1 महीने के अंदर मिल जाए तो रिटर्न ऑन अगर आप देखें इक्विटी तो बहुत तेजी से आएगा आपका, ठीक है। आपने 1 महीने में इन्वेस्ट किया, 5 महीने आपके पैसा आपके पास वापस ही आ गया, बच गए, तो वो बहुत स्पीड से आएगा। तो ये पहला स्टॉक हो गया टाइटन। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़े तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने काफी बार डिस्कस किया है, अभी टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बात करता हूं, वो है इन्फोसिस। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ कवर किया था कि 1420 पे खड़ा है, डाउनसाइड क्या करोगे इस कंपनी में, कितना खराब करोगे, 1300 से नीचे कुछ है ही नहीं और ऊपर में 1700 रुपए तक की जर्नी है कम से कम, तो एक साल में 20% तो इजी मनी मेकिंग है इसमें, आप लेके बस बैठ जाओ, आपको ये नहीं पता है कब बनेगा, लेकिन एक साल पीरियड बहुत बड़ा होता है। शेयर को केवल 2 दिन चाहिए होते हैं भागने के लिए और गिरने के लिए भी, लेकिन उसके लिए आपको शेयर इंतजार करवा देता है 300 दिन। अब आपको अगर इंतजार करना आता है तो आप पैसा बना लोगे और आपको कोई रोक ही नहीं सकता पैसा बनाने से, लेकिन अगर आप चाहते हो मेरे खरीदते ही वो मूव आए और मेरे बेचते ही स्टॉक टूट जाए, ये इम्पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। अभी इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न आप ओपन करोगे ना तो आपको दिखेगी एक फॉल 1 महीने 3 महीने 6 महीने में, और फॉल अगर आप चार्ट पैटर्न बड़ा करोगे 1 साल का तो आपको दिखेगा एग्जैक्टली इसी तरीके का फॉल 1500 रुपए से 21 सितंबर 2023 में आया था और गिरते गिरते 1380 हो गया था अक्टूबर में, और फिर वहां पे एक आध महीने का कंसोलिडेशन और वहां से चलना शुरू हुआ। अभी भी एग्जैक्टली 1420-1380 के करीब का बॉटम बनाया, कंसोलिडेशन चल रहा है लगभग 2 महीने से और मेरे को लगता है इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉक दोबारा ऊपर में, पहला भाव आपके लिए जो दिखाएगा वो 1480 का है जो ऑलमोस्ट आने वाला है, दूसरा 1550, तीसरा आपके लिए 1620 रुपए एंड इवेंचुअली इसे 1700 पार करना है। तो ये दूसरा स्टॉक है आपके लिए इन्फोसिस जो इस समय टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट टर्म पे दोनों अच्छा लग रहा है। टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहा हूं तो अभी 1458 पे है, 1420 किसी दिन में हो सकता है गिरकर, क्योंकि अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, निकला नहीं है, फंसा हुआ है, लेकिन रेंज के नीचे का हिस्सा बहुत कमजोर है, ऊपर का बहुत बड़ा है, तो मेरे को लगता है अगर नीचे गिर भी जाएगा तो आप ट्रेडिंग की जगह इन्वेस्टमेंट में बदल देना अपनी पोजीशन को और वहां और एडिशनल एक्यूमुलेट कर लेना, यही कहूंगा आपसे। तीसरा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, इसको भी मैंने रिसेंटली डिस्कस किया था आप सभी के साथ, 1790 का भाव था उस दिन कि निकलने की कोशिश कर रहा है, किसी दिन भी भाव रॉकेट होगा, 1720 रुपए का बॉटम बनाया इसने, अभी ऊपर आ रहा है इसका चार्ट, और अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देखोगे ना सिमिलर मिलेगा आपको। अब ये भी स्टॉक ने अभी 1821 हो गया है तो 1790 से कंपेयर करोगे तो 30 रुपए तो ये भी ऊपर खड़ा है, बट ये नीचे का इसका जो बेस है वो अब यहां से 100 रुपए नीचे हो गया, 1724 का बेस है, कोई भी डिप मार दे 1724 तक तो आपके लिए मजा आ जाएगा,
मतलब फ्रेश बाइंग बन जाएगी, बट अभी मैं फ्रेश बाइंग नहीं, जिन्होंने हमारे कहने से ले लिया या पहले से है तो उनसे मैं कहूंगा आप होल्ड करो, और स्टॉक में टारगेट कम से कम आपके 1850 जो मैंने कहा था पहला, दूसरा 1900, तीसरा 1950 और इवेंचुअली 2000 रुपए तक की जर्नी इसमें खुली हुई है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए तीन स्टॉक्स थे जो टेक्निकल टर्म्स पे अच्छे लग रहे थे और तीनों ही क्वालिटी वाइज भी दमदार हैं, चाहे टाइटन हो, इन्फोसिस हो या फिर टाटा कॉम हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।